जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान, आप हैं किसान कार्यशाला में, और हम हैं इस समय जिला मुरादाबाद काट का क्षेत्र है। ये किसान के पास हमारा पहले भी अभी पौधा आया हुआ है भैया के पास। और सबसे बड़ी विडंबना ये है भारत में कि आपके पास, आपको जानकारी होते हुए अगर आप लाभ नहीं उठा पाते तो ये गलती फिर कहीं ना कहीं किसान की है, हमें समझना पड़ेगा। भैया ने अपना ही पौधा मंगवाया है, सीके का नया पौधा लगा रहे हैं करोड़े किसान का। मैं एक बार आपका परिचय करा दूं। भैया आपका नाम बताइए। राजकुमार। पूरा नाम, गांव, जिला? राजकुमार, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, गांव रायपुर जी। ये आपने पौधा कब लगाया था? ये लगाया सर मैंने लगभग 25 मई। 25 मई लास्ट ईयर? हाँ। 25 मई के पौधे पे इस समय माल कट रहा होता, मतलब अभी माल कट के खत्म हो गया होता। आपको 2 महीने पहले मेरे बारे में पता लगा, आपकी मेरी बात भी होती है, आपने एक बार भी नहीं पूछा कि राहुल भैया इसमें क्या करूं, जबकि आपको पूछना चाहिए था। अंकित बता रहा था कि आप कह रहे थे कि जल्दी आ जाएगा, पूछूंगा तो। हाँ, उसके बाद जबरदस्ती लगवाया आपका फ्लोरिंग, वर्टिकेशन जबरदस्ती करवाया था जी। क्या फायदा होगा फिर केला लगाने का, बदनाम क्या होगा केला, कि यार हमने केला लगाया था फल नहीं आया। अब देखो मैं अंकित गलतियां बताता हूँ, इधर लाओ। अब ये पौधे की जब तक जड़ें दिखेंगी तब तक ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। देखो नीचे दिखाओ, समझ रहे हो, इस पे मिट्टी लगाओ कल ही, चलो बारिश पड़े आंधी या तूफान, कहाँ तक लगेगी? यहाँ तक देख लो, मुझे वीडियो भेजोगे आप? जी जी जी, पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। यहाँ तक कोई नहीं, कट कर दो उसको, कोल को, कोल रहने दो। तो ये जो है आपका यहाँ तक मिट्टी रहेगा जी। मिट्टी ऐसे मत लगा देना, मिट्टी ऐसे लगेगी बस, समझ गए कि नहीं? पेपर में, ऐसे टेपर में बस। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ से वो समाधि बनानी शुरू करी और यहाँ तक टेक दी। हाँ, मतलब ये कह रहा फावड़े से, यहाँ तक, यहाँ से भैया ये जो इसकी दिख रहा है ना मुंह, ऐसी चाहे यहाँ से लगाओ, यहाँ परिधि होनी चाहिए बस। ठीक है, ठीक, समझ गए ना? ठीक है, और यहाँ तक जानी चाहिए, इतने में, इसके बाहर नहीं जाएगी मिट्टी। हर पौधे में, आपका हर पौधा मिट्टी मांग रहा है और इसीलिए इसकी ग्रोथ नहीं है। वो तो मैं सर आपसे कह रहा था ना, अब ये बताओ अभी आप इसमें विपरीत दिशा में काम करवाया उसने हमसे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए आपने इसमें छोड़ा नहीं? हाँ। अगले साल कब छोड़ा? तो ये नहीं साहब, ये जो है पौधा हमारा वो वाला है नहीं। कोई बात नहीं, वो ही वाला है, फल इस पर भी अच्छा आएगा, काहे परेशान हो रहे हो इतने, इसको देखो तो सही। यो एक दो बार निकला, इसे देखियो, पहले इसमें मिट्टी लगाओ और नए बच्चे की तैयारी करो छोड़ने की। अब इतनी घास नहीं चाहिए केले पे जितने आपने पाल रखी। घास बहुत बारिश ने कर दी ना, वरना मैं तो इसे एकदम साफ करने वाला था। घास मेरे पेट में नहीं, अभी इस समय पे इसके ऊपर 2 स्प्रे होने चाहिए। पहला स्प्रे होना चाहिए तंबाकू, होना चाहिए आपके पास, चलो तंबाकू का एक इंसेक्टिसाइड बनाओ, 200 लीटर पानी जी, 20 किलो तंबाकू, 10 किलो गुड़। 20 किलो तंबाकू 1000 पौधों के लिए बता दो जी, ये पौधे कम है ना। ना मैं 50 बीघे के लिए बता रहा हूँ कम से कम। अच्छा ठीक है, वो इतना बन गया कि आप और मैं ऊपर पहुँच जाएंगे, तब तक के लिए बहुत इंसेक्टिसाइड। 100 लीटर पानी में 5 किलो तंबाकू ले लो, तंबाकू के पत्ते 10 किलो, 1000 रुपया खर्चा है। पत्ते लेने की पत्ते पाउडर ले ले मैं तंबाकू के पत्ते पत्ते। अच्छा ठीक है, वो ले लो और 5 किलो गुड़ 100 लीटर पानी में ड्रम में बांध के मुंह बंद करके 90 दिन के लिए रख दो। 90 दिन के बाद फिर उसको आप इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज करो, ज्यादा है तो 100-200 ml, 300 ml, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। बता रहे हो उनकी नजदीक में ही, मैं आपको अगले साल के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, आप तो यो ये वीडियो यहीं रहेगी, मैं यहीं रहूंगा, आप इसको 1000 बार देख सकते हो। नहीं, आप तो सर ये जो तंबाकू बता रहे कि तंबाकू का होना चाहिए, अगर आपके पास तंबाकू होता इस समय पे तो तंबाकू का स्प्रे इस पूरे यहाँ से यहाँ तक धड़ पे पूरे पे होता नीचे तक। ये सूखे पत्ते भी काट दो आप, ये सूखे पत्ते इन्होंने अंकित भाई उस टाइम नहीं काटने, अभी उस टाइम नहीं, अभी उस टाइम नहीं काटने, इनको ऐसा पत्ता नहीं काटना है, ये नहीं, ऐसा भी नहीं काटना है, केवल वही काटना है, ये ऐसा भी नहीं काटना है। अच्छा हाँ, इसके अंदर जान है अभी जी, इसको भी नहीं काटना, ये कटेगा, हम कितने सही बोला है कि ये कटेंगे, तो इनका मुंह दांती का ऊपर की तरफ रखना है। हाँ, नीचे से ऐसे काटना है। हाँ, तो ये आपने काटना है उसका, ये भी एक तरह की अंकित फंगस होती है। बिल्कुल जी, हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते,
ये भी फंगस है, इसके लिए भी स्प्रे होता है। आप 15 लीटर पानी में 20 ग्राम कार्बन डाइजिंग मैन को जब वाला UPL की साफ लेकर के 3 ml स्टिकर मिला के इसको ऊपर स्प्रे कराओ पीछे से, बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको। दूसरा इस फल के ऊपर 8 ml एमिडा, एक लीटर पानी में आधा ml एमिडा क्लोपिट मिला करके इसको ऊपर स्प्रे करो 5-5 दिन में। समस्या तो एक बड़ी गंभीर है सर, हमारे यहाँ तो ये दवाई मिल ही नहीं पाती। सब मिलेगी आपको, दुकान पर जाओ, मेरी बात करा देना, सब मिलता है। एमिडा मिला है। सुनो दूसरी बात, दूसरा आपने क्या करना है, फिटकरी ले लो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम और उसको टंकी में डालो, उसको अच्छे से धुल दो तो भी कीड़े मकोड़ों से दूर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक एक लीटर का काम होगा, 2-2, 3-3 चरखे आ रहे हैं। और भैया अगर इसमें सही से समय से फल लाना है तो मैं एक सेट, कितने पौधे हैं ये आपके पास यहाँ पे? ये लगभग हो गए जी 400 के लगभग है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिन पर शायद नहीं आएगा। ऐसा कोई पौधा नहीं होता जिस पर फल आएगा, वो ज्यादा छोटे हैं, थोड़ी देर बाद आएगा बट आएगा। 400 पौधे यानी कि 500 पौधों का डोज, ठीक है। मैं आपको इनका डोज बना के भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और वो इसमें लगवाओ, खाद आप जहाँ भी दोगे, इधर सुनो, खाद आपने गोबर की खाद है आपके पास, गोबर की खाद में मिला के 10 दिन रखने के बाद ही खाद दोगे आज के बाद, अगर अच्छे से खेती करनी है जीवन में और रिजल्ट बढ़िया लेने है खेती। तो अगर 20 किलो DAP डाल रहे हो तो आज से 10 किलो DAP शुरू कर दो और उस 10 किलो DAP को 30 किलो गोबर की खाद में मिला के 10 दिन के लिए रख दो, एकदम हवा बंद करके, हवन अंदर बाहर जाए। तो आपका हमने साहब इसे लगाया है ना कैसा भी, और 10 दिन तो बिना खाद के केला नहीं हुआ करता भाई साहब, और 10 दिन के बाद उस खाद को आप खेत में दो। मेरी बात समझ रहे हो, मैं कहाँ समझा रहा हूँ? समझ गया, ये हर फसल के लिए है दुनिया की, हर फसल के लिए। तो आपका ये जो 10 किलो DAP था ये 30 किलो DAP हो गया अभी, और आज दोगे आज ही लगेगा, वरना DAP 22 दिन के बाद लगता है। किसान जो बर्बाद हो रहा है ना, उसका कारण किसान खुद है, अज्ञानी है, अगर बताने जाओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों के दो ही रास्ते होते हैं, जब घोड़ा बेलगाम हो जाए उसको छोड़ दो, थक के अपने आप रुक जाता है। तो किसान अब थक चुका है, भागा नहीं जा रहा है उससे, अब गिरने वाला है बस। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, वीडियो देखा तो इसमें जो है इसका फायदा उठाओ, इतनी वीडियो रोज आ रही है हमारी, कुछ तो सीखो भाई साहब, केले पे पता मट्टी नहीं है आपके केले में। और आप राहुल जवान के साथ खेती कर रहे हो और हवा भी नहीं आई अभी, तो अभी तक आपने मुझसे, मुझे पता ही पहली बार चला कि आपने केला लगाए हुए हैं। तो अभी आप इसमें मिट्टी लगाइए, मैं आपको कुछ खाद बताऊंगा वो इसमें डल पाइए, वो बता दो जी कितनी दूर। अगर पैसा भी नहीं है तो मुझे बताओ कि भैया पैसा नहीं है, फिर मैं मेहनत में क्या करूं? तो मेरे पास देसी नुस्खे, मैं भी बताऊंगा तुम्हें। हर प्रकार की खेती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि किसान को पैसे प्रोडक्ट पे सारी खेती करानी है। अब जैसा किसान की हालत है वैसी बात करो मुझसे कि भैया मेरे पास तो सब्जी के लिए पैसे नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आ जा भाई तुम। हर प्रकार के देखो, दुनिया में हर समस्या के समाधान है। और मैं यहाँ लोगों से पैसा कमाने नहीं निकला हूँ, मैं यहाँ एक सैनिक के रूप में निकला हूँ कि एक फौजी भी देश के किसान को बदल सकता है, मदद कर सकता हूँ मैं, बदलना नहीं मुझे किसानों को। आप जिस हालत में, मैं आपकी मदद करने के लिए खड़ा हूँ, बस इतना मुझे पता है। तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, पीछे तो भागोगे तो कोई फायदा है नहीं, अपना ही नुकसान है तुम्हारा, फिर इस सेवा 1 रुपए का कोई मतलब नहीं। खाद जो देना है वो यहाँ देना है, कभी ये रख दो ऐसे जहाँ एड्डी आ गई वहाँ देना है, और खाद जो देना है वो थोड़ा सा गहरा करके देना है, हल्की सी नाली बनाना है इनके पास, कम से कम 20 की उंगली से थोड़ी ऊपर 4-4 इंच की, और उसमें डालना है और ऊपर से मट्टी रख देनी है, जैसा आम को कल्टर देने, यही तरीका है खाद देने का, ठीक है जी। ये चीजें करवाओ और इसमें फंगीसाइड वाला स्प्रे ले लो। फंगीसाइड दो तीन तो कर दिए मैंने इसमें, फंगीसाइड गुड़ वगैरह भी कर दिया था। कब करा गुड़ को करो हो? नहीं, फंगीसाइड को ऊपर रख दिया है, ऊपर करो हो गए लगभग 15 दिन। हाँ फिर करो दोबारा, मांग रहा है पौधा, देख ये देखो, ये देखो डेवलप हो रही है फंगस। ये आपको नहीं लग रहा है कुछ, लेकिन पौधे को बीमारी है, हमें सोच रहा ज्ञान ही ना था। कोई बात ना, अब सीखो इन चीजों को, आप सीखेंगे बस, मेरे साथ रह के भी नहीं सीख पाओगे। तो मेरे जैसे आदमी के साथ, जो आदमी खेती नहीं कर सकता वो किसी के साथ नहीं कर सकता। सही बात है, सही बात। चलो चलें, जय हिंद जय जवान जय किसान।